तो ये गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस गाइस आप लोग अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कल हमारे फ्री फायर गेम के अंदर फाइनली आने वाला है रेड क्रिमिनल बंडल और उसी के साथ साथ नियॉन क्रिमिनल बंडल, वो आने वाला है गाइस ग्लिच असेशन पे। मैंने आपको बताया था कोई रॉयल पे आने वाला है, लेकिन उन लोगों ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और अभी वो आने वाला है ग्लिच असेशन पे। और उसके अंदर से आप लोगों को टोकन टावर बोल सकते हो, टोकन टावर वही असेशन इवेंट। और आपको पता है ऐसा कोई भी इवेंट आता है तो कितने मोटे डायमंड्स लगते हैं। तो चलो मैं आपको पहले इवेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कितने डायमंड लग सकते हैं इसके अंदर अगर आपको इसको लेना हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे गेम के अंदर जो क्रिमिनल बैंड नियॉन क्रिमिनल और यहाँ पे रेड क्रिमिनल आने वाला है, वो कल आपको ग्लिच असेशन पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये सारे पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स को मिल चुका है। तो ये आप लोग कंफर्म बोल सकते हो 101% कल आने वाला है। हाँ, फ्री फायर ने भी ऑफिशियली अपलोड कर दिया है कि ग्लिच असेशन पे आपको ये देखने को मिलेगा। कितने टोकन पे आपको देखने को मिलेगा गाइस? 5 टोकन पे आप लोगों को रेड क्रिमिनल और यहाँ पे नियॉन क्रिमिनल दोनों देखने को मिल जाएंगे। और बाकी सारे रिवॉर्ड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको इमोट वगैरह मिलेगा, यहाँ पे बाइक का स्किन भी रहेगा एक, और ग्लो वॉल का स्किन भी रहेगा, जो कि आपको बाकी 4 टोकन 3 टोकन पे मिलेगा। एंड यहाँ पे एवोल्यूशन स्टोन ही है, हाई एवोल्यूशन स्टोन भी रहेगा एक। तो कि तो ये गाइस ये आप लोगों को मिलने वाला है। कितने डायमंड्स लगेंगे अब उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को बहुत मोटे डायमंड्स लगने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी ये असेशन आता है तो बहुत मोटे डायमंड्स लगते हैं। मेरे को हाईएस्ट लगा था 4000 डायमंड्स, मेन ऊपर वाला निकालने के लिए 4000 लगा था सीरियसली। वो M1887 का स्किन था एंड भाई मेरा अभी भी मैं उसके लिए रिग्रेट करता हूँ। बट चलो गाइस देखते हैं, इसके अंदर आपको मेरे हिसाब से 5000 डायमंड तो मिनिमम लगने वाले हैं अगर आपको मेन जो रिवॉर्ड है वो निकालना है तो। क्योंकि आपको पता है रेड क्रिमिनल नियॉन क्रिमिनल कितना ज्यादा रेयर है, अब रेयर नहीं है, बट वो फ्री फायर बिजनेस करने के लिए वापस दे रहे हैं और मोटा बिजनेस करके वो लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे मोटे डायमंड्स तो चार्ज करेंगे, मोटे डायमंड्स आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको मिलेगा नियॉन क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल, जो कि अभी रेयर नहीं रहा। और कुछ दिनों बाद बाकी क्रिमिनल्स भी आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे शायद Season 1-2 तो छोड़ो, बाकी और भी रेयर रेयर चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे करके गेम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा बिजनेस है, उनको ओल्ड प्लेयर न्यू प्लेयर से कोई मतलब नहीं है। एंड ठीक है, आपको इस चीज पे क्या ओपिनियन है कि वापस आ रहा है उस मुझे बताना कमेंट में। एंड यहाँ पे आईडियस कैरेक्टर का जो टॉप ऑफ इवेंट है वो भी आपको नेक्स्ट देखने को मिलने वाला है, वो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। आईडियस कैरेक्टर का टॉप ऑफ इवेंट नेक्स्ट आने वाला है, जो कि एक दूसरा कैरेक्टर है। आपको पता ही है कौन सा कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर शायद है, हाँ शायद है। तो इसका टॉप इवेंट नेक्स्ट आने वाला है हमारे गेम के अंदर, ठीक है। तो ये भी पार्टनर प्रोग्राम वालों को मिल चुका है, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे जब आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल यहाँ पे ग्लिच असोसिएशन हमारे गेम में आने वाला है एंड रेड क्रिमिनल फाइनली आने वाला है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय एंड पीस आउट। I've made it in a sense, a feel of discontent, I finally